हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आशमा परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम आईपीएम कॉलेज। हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कोर पेपर ईडीयू 8 शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट को पढ़ा था। बहुत जल्दी से हम प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक को रिविज़न कर लेते हैं। हमने विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं में सबसे पहले देखा था विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए। मतलब विद्यालय के प्रबंधन में जो प्राचार्य, शिक्षक या फिर जो अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके काम में, उनके कार्यों में स्वतंत्रता देनी चाहिए। प्रबंधन करते टाइम हमने जो नियम बनाए हैं वो सिर्फ एक साधन मात्र होने चाहिए, जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सके। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता। विद्यालय प्रबंधन के नियम किसी सिद्धांत पर आधारित ना होकर बल्कि वो व्यवहारिक होने चाहिए। प्रबंधन के लिए जो हमने नियम बनाए हैं वो ऐसे हों जिन्हें हम व्यवहार में लाकर आसानी से उन पर काम कर सके। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन का प्रारूप समाज, राष्ट्र एवं राजनीति के अनुरूप होना चाहिए। मतलब समाज के क्या आदर्श हैं, उन्हें ध्यान में रखकर उनमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, हमें विद्यालय प्रबंधन करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन की क्षमता। मतलब हमारे प्रबंधन में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमारी समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से मितव्ययी हो, कि हमारा धन भी कम लगे, समय की भी बचत हो और हमारी शक्ति भी कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इस तरह का हमारा प्रबंधन होना चाहिए, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए। लास्ट है अपेक्षित लक्ष्यों की उपलब्धि। अपेक्षित लक्ष्य मतलब हमारा मुख्य लक्ष्य है बालक को शिक्षा देना और हमारे अपेक्षित लक्ष्य है बच्चों के अन्य लक्ष्यों तक, अन्य विकास तक हमें पहुंचना। तो हम कह सकते हैं हमारा प्रबंधन ऐसा होना चाहिए जो मुख्य लक्ष्य के साथ साथ अपेक्षित लक्ष्यों की भी पूर्ति कर सके। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। मतलब किसी विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट की क्या नीड है या फिर क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है, अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। मतलब विद्यालय प्रबंधन से हम यह जानते हैं कि विद्यालय के पास क्या क्या मानवीय रिसोर्सेज हैं, क्या क्या भौतिक रिसोर्सेज हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास या तो मानवीय संसाधन होते हैं और भौतिक संसाधन होते हैं। तो हमें मैनेजमेंट से क्या करना है, हमें प्रबंधन करके हमें यह ध्यान रखना है कि संसाधनों का हम किस तरह से हम प्रयोग करें जिससे अधिक लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सके। यह प्रबंधन द्वारा ही संभव है जब हम संसाधनों का मैनेजमेंट करके चलेंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाती हूँ। माना किसी स्कूल के पास एक शिक्षिका है जो कि हिंदी में बहुत निपुण है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि वो शिक्षिका हस्तकला में, हैंडीक्राफ्ट में भी बहुत निपुण है। तो समय सारणी बनाते टाइम्स, समय सारणी क्या है, वो भी हमारा एक मैनेजमेंट का पार्ट है। तो हम समय सारणी बनाते टाइम इन दोनों ही बात का ध्यान रखेंगे कि शिक्षिका हिंदी में भी निपुण है और हस्तकला में भी निपुण है, कि हम अपना समय सारणी इस तरह बनाएंगे कि उसके दोनों कौशलों का हम प्रयोग कर सके। इसी तरह हम भौतिक संसाधन की बात करते हैं, इसी भी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। माना किसी स्कूल के पास जो हमारे भौतिक रिसोर्सेज में जो हमारे फर्नीचर हैं उनकी कमी है, हमारे पास फर्नीचर ज़्यादा नहीं है। तो हम प्रबंधन करते टाइम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम क्लासेस सायंकाल में, इवनिंग में भी चलाएँ और मॉर्निंग में भी चलाएँ, जिससे हमारे लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएंगे और हमारे जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है उनका भी अच्छे से प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे मानवीय और भौतिक संसाधनों का अच्छे से मैनेजमेंट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विद्यालय प्रबंधन द्वारा समस्त कर्मचारियों की उत्तरदायित्व का विभाजन किया जाता है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए विद्यालय विकास में सहयोग करते हैं। मतलब
प्रबंधन द्वारा विद्यालय के समस्त कर्मचारी के काम का विभाजन हो जाता है। हम जब प्रबंधन करते हैं तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास मानवीय संसाधन हैं, हम उनका इस तरह से काम का डिवीज़न करते हैं कि सभी रिसोर्सेज यूज़ में आ जाते हैं। और हम कह सकते हैं प्रबंधन करते टाइम समस्त कर्मचारियों की योग्यता को ध्यान में रखकर उनका काम का डिवीज़न कर देते हैं। काम का डिवीज़न करने से क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पता होगी कि मुझे ये काम सौंपा गया है और मुझे उस काम को अपना उत्तरदायित्व निभाना है। जब व्यक्ति अपना काम अच्छे से ढंग से करता है तो क्या होता है, विद्यालय का संपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, विद्यालय के सफल संचालन में विद्यालय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसके अभाव में विद्यालय का प्रभावपूर्ण संचालन संभव नहीं है। जैसे यह हम जानते हैं कि यदि किसी काम की कोई रूपरेखा नहीं बनाई जाती तो वह कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता। हम घर में भी देखते हैं, अगर हम किसी काम का हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो उस काम में हमें उतनी सफलता नहीं मिलती। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। माना किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम है तो वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करेगा कि वो यह ध्यान में रखेगा कौन सा पेपर पहले है और कौन सा पेपर बाद में है, किसकी तैयारी उसकी ज़्यादा है, किसकी तैयारी कम है। तो इस तरह से मैनेज करके वो अपनी प्रिपरेशन करेगा। ये क्या हो गया, ये एक मैनेजमेंट हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि विद्यालय प्रबंधन नहीं किया जाता तो विद्यालय का संचालन संभव नहीं है। प्रबंधन द्वारा ही कार्य की प्लानिंग करके सभी कार्य मैनेज किए जाते हैं और लक्ष्यों तक पहुंचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालित किया जाता है जिससे कि छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास संभव हो जाता है। हम यह जानते हैं कि जो बालक का विकास शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, मतलब हमें बच्चे को सिर्फ उसे शिक्षा ही नहीं देनी बल्कि बच्चे का हमें और डेवलपमेंट करना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है। और सर्वांगीण विकास कैसे होता है, जब बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता है। और इन सब चीज़ों का विकास करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे की शिक्षा में उसकी शिक्षा के साथ साथ सहगामी क्रियाओं की योजना बना आते हैं, बच्चे के को करिकुलम एक्टिविटी को शामिल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी प्लानिंग करते हैं कि बच्चे के लिए हम खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रोग्राम, सामाजिक गतिविधियां, वाद विवाद प्रतियोगिताओं को शामिल करते हैं। ये सब हमारी क्या है, सहगामी क्रियाएं हैं। इन्हें हम मैनेज करते हैं और बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय प्रबंधन में योग्यता के आधार पर ही व्यक्तियों को कार्यभार सौंपा जाता है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि मैं इससे पहले पॉइंट में भी बता चुकी हूँ, प्रबंधन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कर्मचारियों को उसकी योग्यता के आधार पर ही कार्य दिया जाए। ऐसा करने से व्यक्ति काम में भी अपनी क्षमता एवं योग्यता दिखा पाएगा और जब व्यक्ति की योग्यता के अनुसार हम कार्य देते हैं तो व्यक्ति की उस काम में ज़्यादा रुचि होती है और जब व्यक्ति की काम में ज़्यादा रुचि होती है उस काम को वो अच्छे से निर्वाह कर पाता है। जब सभी व्यक्ति अपने काम को अच्छे से उत्तरदायित्व की भावना से करते हैं तो संस्थान का विकास भी उतना ही ज़्यादा अधिक होता है। तो हम जितने भी अभी तक हमने बिंदुओं को स्पष्ट किया, हमने आवश्यकता और महत्व को पढ़ा, तो यदि किसी विद्यालय का प्रबंधन तंत्र उत्तम है, मतलब अच्छे से हमने प्रबंधन किया है स्कूल का, तो उस विद्यालय से निकलने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी उपलब्धि भी, उनका अचीवमेंट भी बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज विद्यालयों को सर्वप्रथम अपने प्रबंधन तंत्र को सबल बनाने की ज़रूरत है कि अगर हमें स्कूल को अच्छे से आगे डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें स्कूल मैनेजमेंट को परफेक्ट करना चाहिए, जो कि किसी संस्था का केंद्र बिंदु, बिल्कुल सेंटर माना जाता है। किसी भी संस्था के विकास के लिए स्कूल मैनेजमेंट का परफेक्ट होना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।